जैसा कि आपको खबर मिल चुकी है अभी तक, कल रामलीला मैदान में इंडिया ग्रुप की सभी सारे पार्टियां ने लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया है। और इस रैली के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे AICC प्रभारी दिल्ली के दीपक बाबरिया जी और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी यहाँ मौजूद हैं। पहले बबरिया जी बोलेंगे, उसके बाद में लवली जी कुछ बातें कहेंगे और अगर ज़रूरत पड़े अंत में मैं कुछ कहूँगा। दीपक बबरिया जी। आदरणीय जयराम जी, मेरे साथी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लवली जी और आप सभी पधारे हुए पत्रकार साथियों, सबको मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता का एजेंडा आपके सामने है कि कल हमारी जो रैली होने जा रही है इंडिया अलायंस की, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लोकतंत्र को विध्वंस करके रख दिया है, संविधान को विध्वंस करके रख दिया है, और जो प्रकार से लोगों को डराने धमकाने की और एजेंसियों का दुरुपयोग करने की कार्यवाही कर रहे हैं, जो प्रकार से देश में पूरा जो है हर सेक्शन के लोगों को, वो युवा हों, महिला हों, किसान हों, श्रमिक हों, सबको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, सबका जो है एक पिछले 10 साल में जो प्रकार से दुर्दशा करके छोड़ी है, और उसमें भी कोई अपना हक और अधिकार मांगता है, उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से कुछ मूवमेंट करते हैं। आपने देखा हरियाणा में किस तरह से किसान संगठनों के साथ इन्होंने पहले 2 साल 1.5 साल तक वो दिल्ली के सीम पर रहे, इतने बड़ी मात्रा में किसान यहाँ धरने दिए, प्रदर्शन दिए, 700 उनके साथी शहीद हुए, उसके बावजूद उनके साथ धोखाबाजी करके उसको खड़ा तो कर दिया, मगर उनके लिए जो प्रॉमिस किया था उसका अमल नहीं किया, धोखाबाजी किया, जुमलाबाजी किया। फिर से जब उन्होंने अपना हक और अधिकार मांगा तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से, जो जनरल डायर ने भी कभी नहीं किया था, वो प्रकार से उनको गोली मार के उसका आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, जो दुश्मन देशों के आर्मी के साथ ना करे उसी प्रकार से उनको लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने के लिए भी जो है हाईवे पर रोक दिया गया था, उसके पर जुल्म कर दिया गया। जो महिलाएं जो बलात्कार से पीड़ित थी, उसके उत्पीड़न से पीड़ित थी, जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, उसने जब रक्षा मांगी तो उनकी रक्षा देने की वजह जो उनके बलात्कारी थे, जो उसके लिए अपराधी थे, उन लोगों की रक्षा किया। ये देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी, युवा मांग रहे थे कि उनको रोजगारी मिले, लोग सरकारी नौकरियों में भी रोजगारी मिले, इसके लिए प्रदर्शन किया, उसके पर इतना जम के लाठीचार्ज किया। आज की डेट में भी जो पेपर लीकेज वाले गुजरात से लेके जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उसमें कहा जाता है कि उनके कहीं ना कहीं RSS के साथी भी उसमें सम्मिलित होते हैं और पिछले दरवाजे से उसकी कैडर को उसमें सरकारी नौकरियों में लगा देना चाहते हैं, देश के बड़ी मात्रा में युवाओं को अन्याय करना चाहते हैं, वो भी उन्होंने रोक दिया। आज ये परिस्थिति में दमन की परिस्थिति है, लोग न्याय मांगते हैं, राहुल जी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही मौके पर आपने देखा कि विपक्षी एकता तोड़ने के लिए इन्होंने लगातार प्रयास किए, वो हेमंत सोरेन जी हो, केजरीवाल जी हो, और हमारे कई नेताओं और उनके पार्टी के बड़े बड़े लीडर हो जो कहे हैं, उनके सामने ED और CBI के समन्स भेजना, उसकी प्रताड़ना करना, ये इसके विरोध में कल जो है पूरे दिल्ली में बड़ी मात्रा में जो है प्रदर्शन का, रैली का आयोजन किया गया है, उसकी विस्तृत जानकारी आपको मेरे साथी अरविंदर सिंह लवली आपको देंगे। शुक्रिया बाबर जी। लवली जी, जयराम रमेश जी, दीपक बवरिया साहब और दोस्तों, आप सब लोगों को विदित है कि कल 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक ने, इंडिया गठबंधन ने जो है एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। आज जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, विपक्ष की पार्टियों को तहस नहस करने का, दबाने का हर तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ने फोड़ने का काम पूरे देश भर के अंदर जो है वो चालू है।
लगातार लोकतंत्र के अंदर प्रहार हो रहा है, और जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस लोकतंत्र की देश बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, और हमको ये कहने में कोई शक और शुभा भी नहीं है कि अगर सबसे पहले दोबारा से इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई किसी ने शुरू की तो हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश भर में शुरू करी। आज उसकी गर्मी जो है वो देश का हर विपक्षी दल महसूस कर रहा है, और इस लड़ाई के अंदर आज ना केवल देश के विपक्षी दल, और मैं समझता हूं कि ये 2024 का जो चुनाव है ये केवल और केवल, अपने घर के ड्राइंग रूम में लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, डिस्कशन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश के भविष्य को लेके है। इसलिए जो है कल दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली का आयोजन हमने किया कि लोकतंत्र बचाने के, इसीलिए इस रैली का नाम भी जो है वो लोकतंत्र बचाओ हमने रखा है। इस रैली को इसलिए रखा है कि आप चुनाव डिक्लेयर होने के बाद चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, आपकी टाइमिंग देखिए, आप चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल हो, तमाम हथकंडे आप जो है विपक्ष के लोगों को, ताकि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है चुनाव में उपलब्ध ना हो। आपका केवल और केवल फोकस जो है वो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का ओपोजिशन को डिस्टर्ब करने में, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिस्टर्ब करने में, लोकतंत्र की हत्या के लिए जो है आप इस तरीके के कुठाराघात लगातार एक के बाद एक विपक्षी दलों पे कर रहे हो, उसके खिलाफ इस रैली का आयोजन किया है। इस रैली में इंडिया ब्लॉक के तमाम सीनियर लोड को इसको संबोधित करेंगे ही, जयराम रमेश जी अभी डिटेल में भी बताएंगे कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या के अंदर जो है वो दिल्ली के लोगों की भागीदारी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भागीदारी, और ऐतिहासिक रैली के रूप में जो है ये रामलीला मैदान में होगी, जिसको तमाम इंडिया गठबंधन के लीडर्स जो है वो इसको संबोधित करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस रैली के बाद एक संदेश जाएगा कि लोकतंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता के साथ जो है इस सरकार का जो है मुकाबला करेंगी। अभी मैं सर से चर्चा कर रहा था तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अब मोटो केवल यह रह गया है कि पार्टी में चंदा, व्यापारियों का धंधा और ईडी का फंदा, ये केवल और केवल ये केंद्र की सरकार इस तीन मोटो पे काम कर रही है। और हम इनको कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, और इस लोकतंत्र को के साथ इस तरीके का प्रहार और उसको खत्म करने की जो कोशिश हो रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और कल ये पहली गुहार होगी, कल ये पहला आम जनमानस का जो है वो प्रहार होगा इस सरकार के ऊपर, तो हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। शुक्रिया बाबरिया जी और लवली जी। मैं कल की रैली के बारे में और कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना, व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। सारे इंडिया गठबंधन, इंडिया जनबंधन, मैं बार बार कह रहा हूं ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। इंडिया जनबंधन के सारे पार्टियां इसमें शामिल है, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, हालांकि हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, फिर भी कल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। तो ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, ये इंडिया जनबंधन की रैली है।
इंडिया जनबंधन की दूसरी रैली है, पहली रैली नहीं है ये। आपको याद होगा मुंबई की शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समाप्ति के बाद 17 मार्च को इंडिया जनबंधन की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, और सभी नेता, मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, सभी लोग वहां मौजूद थे। और वहां शंखनाद वहां से शुरू हुआ और आज कल दूसरा शंखनाद होगा रामलीला मैदान से। मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा यह है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर, और खास तौर से युवा बेरोजगारी का दर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, आप देख रहे हैं अमीर सुपर अमीर बन रहे हैं और गरीब और मध्य वर्ग वहीं के वहीं हैं। विकास का फायदा कुछ ही लोगों को मिल रहा है, पर विकास की कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, ये पहला मुद्दा है जिस पर कल हमारे नेता बोलेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, एमएसएमई का विनाश, और जो बबरिया जी ने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा जो किसानों पर अपराध किए जा रहे हैं, किसानों पर जो अन्याय हुआ है, किसानों का जो अपमान हुआ है, 700 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में, उस शहादत को नजरअंदाज किया गया है। चंदादाताओं का सम्मान हो रहा है पर अन्नदाताओं का अपमान हो रहा है। तो यह पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं पर इनके अलावा कई मंत्री अलग अलग राज्यों में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, चार्ज नहीं है पर गिरफ्तार हो गए हैं। ये एक षड्यंत्र है। तो ये एजेंसियों का दुरुपयोग, चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार करना बिना चार्ज फाइल किए हुए, ये बिल्कुल एक मानसिकता दर्शाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सारे विपक्ष पार्टियां अपंग हो जाएं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपंग हो जाएं, ताकि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में न हो। तीसरा मुद्दा है हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला, पिछले 75 वर्षों में से सबसे बड़ा घोटाला हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संविधान के खिलाफ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसी की वजह से प्रधानमंत्री ने अपने वकील दोस्तों को भड़काकर सुप्रीम कोर्ट को अभी धमकी देने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो डर गए हैं 8,200 करोड़ जो चंदा मिला है। और मैंने बार बार कहा है चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो चंदा दो और शेल कंपनी, ये चार तरीके हैं, चार रास्ते हैं। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते से बीजेपी ने चंदा इकट्ठा किया है, और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ कर आतंकवाद हमले किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है खासतौर से,
और हमें बार बार, कल रात को भी दो और नोटिस मिले हमें, कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक चार नोटिस हमें मिले थे, कल रात को दो और नोटिस मिले हैं, और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं, उनके पहले भी कई कोषाध्यक्ष थे। तो यह तीसरा मुद्दा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा, घोटाला, घूस। चौथा मुद्दा मैं कहूंगा संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और संविधान बचाना। संविधान खतरे में है, बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि संविधान को, इस संविधान को वापस हमें लिखना है, यह संविधान का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, एक्सपायरी डेट हो चुका है, एक नए संविधान की जरूरत है। और जो संवैधानिक सिद्धांत हैं, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, ये सब खतरे में है, क्योंकि ये संविधान खतरे में है। तो साथियों, कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र के बचाने के लिए है, और सभी पार्टियों का योगदान है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी पार्टी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं मोबिलाइजेशन के लिए कल। और हमें पूरा विश्वास है कि रामलीला मैदान, सिर्फ रामलीला मैदान में नहीं, पर रामलीला मैदान के आसपास भी लोग हजारों में मौजूद होंगे, और एक प्रभावशाली संदेशा जाएगा लोक कल्याण मार्ग को, जो पहले रेसकोर्स रोड कहा जाता था, अभी लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, कि उनका समय अभी हो चुका है, जनता उनसे छुटकारा चाहती है, जनता, देश की जनता चाहती है लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, निष्पक्ष चुनाव हो, और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है, ये बंद करने का संदेश आ जाएगा कल के रैली से। हमारे पार्टी के ओर से कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सभी मौजूद होंगे। मुझे जानकारी मिली है कि शरद पवार जी आएंगे, तेजस्वी यादव जी आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, अखिलेश यादव जी होंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब होंगे, महबूबा मुफ्ती जी होंगी, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई एमएल वहां होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराज होंगे, असली लोकदल, याद रखिएगा, असली लोकदल के सुनील सिंह होंगे, और तमिलनाडु के तीन चार पार्टियां और केरला के दो तीन पार्टियां रहेंगे। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कल 27 या 28 पार्टी के नेता रामलीला मैदान में मौजूद होंगे। डीएमके त्रिचि शिवा आएंगे, स्टालिन साहब की जानकारी नहीं है पर डीएमके होंगे त्रिचि शिवा, और टीएमसी से डेरिक ओब्रायन होंगे। तो सारे पार्टियां जो पलटी के हैं वो पार्टी नहीं है, पलटी के हुए पार्टी एक तो आप जानते हैं जेडीयू, वो नहीं है, आरएलडी ने भी पलटी किया है, पर आरएलडी वो तो नकली आरएलडी है, असली आरएलडी तो हमारे साथ है। तो आरएलडी के संजय सिंह, सुनील सिंह जी होंगे, और हमारे ओर से मैं फिर से कहूंगा कांग्रेस अध्यक्ष जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों इस रैली को संबोधित करेंगे। शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस रैली के बारे में, बबरिया जी और लवली जी उसका जवाब देंगे। सर, क्या मैडम सोनिया गांधी भी
देखिए, मैंने जो कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी वहां जरूर मौजूद होंगे, और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वहां होंगे, पर जो मैं कह रहा हूं आपको, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। हो सकता है सोनिया जी भी वहां रहें, पर इन दोनों का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो कल हो रहा है। सो यू हैव सेड दैट द रैली इज टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, बट सिंस इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, डू यू ऑल्सो सी इट एज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिटी फॉर द इंडिया ब्लॉक एंड सेंड आउट अ मैसेज टू द वोटर्स? No, that was certainly the purpose of the March 17th rally in Shivaji Park. And that's certainly one of the purposes of the March 31st rally. We want to show a sense of solidarity and a sense of unity and a sense of collective purpose on these issues that I have mentioned. Number one, the most important issue, price rise, unemployment, worsening economic inequality. Second, the issue of electoral bonds. The big scam, the biggest scam in post-independent India, the electoral bond scam, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court, and the Supreme Court itself has now become the target of the Prime Minister and his friends. The third issue, the misuse of investigative agencies to arrest democratically elected chief ministers and other political leaders, including ministers in different states. And fourth, this determined assault on the constitution to get the constitution rewritten and redo the entire constitution of which Dr. Ambedkar was the prime architect. These are the issues. So it is a Save Democracy rally. It's a Protect Dr. Ambedkar Constitution rally. Sir, one minute. Yesterday night. So, can you please share the details from which department? I'll share it with you separately. Sir, ये क्या वजह है कि आप? If we don't receive notices, I get surprised. Receiving notices is no longer a shocking or surprising development. In fact, if a day passes without getting a notice, you begin to wonder what is happening. सर, आपको बार बार क्यों ये इस बात पे एम्फेसाइज करना पड़ रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष पे केंद्रित रैली नहीं, क्योंकि आप लोग ये प्रचार कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग प्रचार करते हैं ना, तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इंडिया जनबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। ये रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है, इसलिए मैंने कहा ना, चुने हुए मुख्यमंत्री, मैंने आपको चार या पांच मुद्दे गिनाए हैं, और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली थी। तो हेमंत सोरेन है, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी कई मंत्री हैं, झारखंड में मंत्री हैं, तमिलनाडु में मंत्री हैं, और कई नेताओं को निशाना बनाया गया है। तो एक व्यक्ति के नजरिए से कल की रैली को मत देखेगा, लोकतंत्र के नजरिए से देखेगा, संविधान के नजरिए से देखेगा। जयराम जी, जैसे कल्पना सोरेन भी बुलाए हैं, उनको भी बुलाए हैं आप लोग? सॉरी, क्या कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, क्या वो भी होंगी रैली में? चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड मौजूद होंगे, और राहुल जी खुद गए थे, उन्होंने कल्पना सोरेन से मुलाकात की है, उनके घर गए थे रांची में, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हम लोग रांची में थे, राहुल जी खुद गए थे और कल्पना सोरेन से वो मिले थे। कल जहां तक मेरी जानकारी है,
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी कल होंगे जेएमएम की ओर से, और भी नेता होंगे पर जो मेरे पास नाम है वो चंपाई सोरेन जी का नाम है। जयराम जी, एक तरफ आप लोकतंत्र या संविधान की दुहाई देते हैं बचाने की, वहीं आज ईडी ने फिर जो है दिल्ली सरकार में एक मंत्री है कैलाश गहलोत, उनको नोटिस दिया है, और कल की जो आपकी रैली हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं ये उन नेताओं के लिए जिनको राज्यों में कोई पूछता नहीं है, जहां भीड़ देखते हैं भाषण देने चले आते हैं। देखिए ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे कि कहां पे क्या क्या होगा, और अगर वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में या राष्ट्रीय नेताओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तो यही हमारी लड़ाई है कि किस संस्कृति का डेवलप जो है वो देश की राजनीति में कर रहे हैं। और लाखों लोगों की भीड़ को जो है लीडर संबोधित करने आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में क्या असर होने वाला है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन से जो है अपने आप जो है समझ में आता है। Summons have been become a fashion in this government. Like sir has said कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना भेजें तब तक इनका खाना हजम नहीं होता, इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है, तो इट हैज बिकम अ फैशन फॉर दिस गवर्नमेंट। हाँ जी बोलिए, टाइम क्या रैली का बोलो। हमने लोगों को सुबह 10 बजे का समय दिया है, 10 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि आप 11 बजे तक, 10:30 पौने ग्यारह तक जो है आप लोग वहां पे आइए। सर वो तो हेलो मान के जयराम सर, बजे मानकर चलिएगा जयराम सर, दो सवाल, दो और नोटिस आ जाएंगे।